तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब पठान तो झांकी थी, जवान अभी बाकी है। ये जो स्लोगन चला था 100% खरा उतर रहा है, क्योंकि आफ्टर रिलीज ऑफ ट्रेलर यस्टरडे रात 12 बजे से ही एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है और जो नंबर देखने को मिल रहे हैं, जो अनएक्सपेक्टेड आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह जा रही, क्योंकि अभी पूरे 6 दिन बाकी है मूवी को रिलीज होने के लिए। 7 सितंबर को मूवी रिलीज हो जानी है जवान, और जहां जहां भी एडवांस बुकिंग चालू हो रही है आज से विद इन आवर फुल हो जा रही है, विद इन आवर। इवन 1000 रुपीज़ टिकट हैं या फिर 1200 रुपये के टिकट होने के बावजूद तो ऐसा सॉलिड रिस्पांस पठान के टाइम नहीं देखने को मिला था, जबकि जवान के टाइम पे ये रिस्पांस 2 गुना रेट में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल तबाही चल रही है। इसी के साथ ट्रेलर जनता को बहुत पसंद आया। वाकई में दिस इज़ द ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी। SRK की इतनी सारी लुक्स दिखाई गई हैं और ट्रेलर में एक्शन के साथ साथ इस बार जो कॉमेडी का तड़का लगाया गया है ज़बरदस्त बिल्कुल, क्योंकि जब प्रीव्यू आया था तब सिर्फ एक्शन मास मसाला पर ही ज़्यादा फोकस करा गया था और वही चीज़ दिखाई गई थी। ऐसा लग रहा था फुल मूवी एक सीरियसनेस बॉन्ड पर चलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ट्रेलर में हमें जो कॉमिक टाइमिंग की झलक देखने को मिल रही है, मजा आ रहा है। दूसरा, चलो पठान तो आफ्टर 4 ईयर्स का कमबैक था SRK का, तो चलो इतने टाइम बाद कोई स्टार वापस आता है तो इमोशनली पब्लिक जुड़ जाती है। बट यहां पर पठान देखने के बाद अब जवान का जो हाइप है 2 गुना ज्यादा सेट हो चुका है पठान के मुकाबले। तो अगर यहां पर खरी नहीं उतर पाई जवान तो बड़ी थूथू हो जाएगी बाय गॉड, क्योंकि पठान में कोई स्टोरी नहीं थी, स्टोरी के मामले में पिट गई थी पठान, सभी जानते हैं ये चीज। और सेम चीज अगर जवान में भी देखने को मिल गई तब फैंस बहुत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही हाई वाला हाइप सेट करके बैठी है फैंस एंड पब्लिक। बाकी मैं आपको बता दूं तो आफ्टर एंडिंग ऑफ बुर्ज खलीफा लाइव इवेंट कल को 12 बजे के बाद, आज रात 12 बजे के बाद इंडिया की कुछ जगह बुकिंग चालू कर दी गई थी, एडवांस बुकिंग चालू कर दी गई है। मतलब आज से धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में बुकिंग चालू हो जाएगी। जैसे आज मुंबई में मरीन ड्राइव जैसी जगह में विद इन आवर रेस्पॉन्स देखने को मिला, विद इन आवर जैसे ही खुले सोज फुल हो गए, हाई स्पीड में फास्ट फिलिंग हुई थी। ऐसे ही हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला, कुछ जगह जो एडवांस बुकिंग खोली गई विद इन आवर फुल हो गए, ऐसे सोच खोले गए जो विद इन आवर कुछ जगह पर सेम रेस्पॉन्स देखने को मिला, पलक झपकते ही बुकिंग भरी जा रही थी। इसी के साथ कोलकाता में जब पठान का ओपनिंग डे का बुकिंग रिकॉर्ड को भी खदेड़ दिया, कोलकाता में जैसे ही कुछ जगह पर सोज ओपन हुए भाई साहब विद इन आवर फुल हुए हैं, फास्ट फिलिंग जो देखने को मिली है बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देखने को मिली है। तो मुंबई से हाई रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, कोलकाता से हाई रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इवन हैदराबाद से हाई रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो जहां पर मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं हर जगह बुकिंग थोड़ी थोड़ी चालू हो चुकी है, बस जहां हुई है तबाही मच रही है, जहां भी हुई है तबाही मच रही है। इसी के साथ दिल्ली में भी बुकिंग चालू हो चुकी है और पटना के 1-2 जगह में भी हुई है। इसी के साथ पुणे में भी बुकिंग चालू हो चुकी है और जो फास्ट फिलिंग का नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है भाई ऑसम, बहुत शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब 7 सितंबर का, क्योंकि ट्रेलर ने कल फाइनल ट्रेलर ने जो भयंकर आग लगाई है भाई, सुनामी आने वाली है डेफिनेटली। इसी के साथ अगर मैं IMDb रेटिंग बताऊं, अपकमिंग मूवीज़ की IMDb रेटिंग होती है, तो कल जब तक ट्रेलर नहीं आया था जवान का तो विजय थालापति की लियो मूवी से भी नीचे चल रही थी जवान और सालार से भी नीचे चल रही थी, लेकिन आज 73% का हाई इंटरेस्ट रेट लेकर ये टॉप में बैठी है, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। इसी के साथ दोस्तों बुक माई शो में तो पूरा रुझान ही अलग कर दिया है। कल तक जो बुक माई शो के इंटरेस्ट रेट थे 3 लाख के आसपास, आज 4.5 लाख से ऊपर निकल चुका है ये इंटरेस्ट। अभी शाम तक जब ये वीडियो में डिलीवर कर दूंगा तो आई थिंक ये 4,70,80 के आसपास हो चुका होगा। तो भाई मैं कह रहा हूँ फिर से कि तबाही होने वाली है। फर्स्ट डे का जो कलेक्शन रिकॉर्ड होने वाला है 70 करोड़ इंडिया से कहीं नहीं गया, क्योंकि पठान का था 57 करोड़ के आसपास और डेफिनेटली पठान का रिकॉर्ड भी बीट डाउन करके फर्स्ट डे 70 करोड़ सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से निकाल के ले जाएगी। और अगर मैं एडवांस बुकिंग का प्रिडिक्शन लगाऊं तो पठान के टाइम पर day 1 एडवांस बुकिंग था 31 करोड़ के आसपास। तो जवान में मैं मान के चल रहा हूं या फिर जो आंकड़े इस तरीके से चल रहे हैं और अभी जो ओवरसीज में भी जो कमाई हुई थी, तो day 1 में 38 से 40 करोड़ के बीच में यह आंकड़ा कहीं नहीं गया फर्स्ट डे के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के मामले की अगर मैं बात करूं तो। तो आपको क्या लगता है फर्स्ट डे सिर्फ एडवांस से क्या 40 करोड़ क्रॉस कर पाएगी जवान? और इस बार पठान के फर्स्ट डे इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड को 57 करोड़ को खदेड़ कर ये 70 करोड़ का आंकड़ा हासिल कर पाएगी सिर्फ नेट इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।